बच्चों, मैं डॉक्टर बीना श्रीवास्तव आज मैं आपको कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक अनमोल रत्न का पाठ 12 अच्छा पड़ोसी आज आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी। इस पाठ में अच्छा पड़ोसी जो है वो एक वृद्ध आदमी है, एक जो बच्ची है वो अपने माता पिता के साथ रहती है, मीनू नाम की जो बच्ची है वो अपने माता पिता के साथ रहती है। वह पड़ोसी की, वह एक वृद्ध आदमी है जिसका कोई नहीं है, वह उसके माता पिता के, मीनू के माता पिता के मना करने के बाद भी वह उसकी मदद करती है। लौटते समय, स्कूल से लौटते समय वह उनको कुछ ना कुछ खाने को देती है, तो उसका परिणाम यह होता है कि वो भी उसकी पलट करके मदद करते हैं और बाकी कोई भी उस वृद्ध आदमी की कोई मदद नहीं करता। तो बच्चों आइए जानते हैं वो किस प्रकार से उनकी मदद करती है। तो अच्छा पड़ोसी जो पाठ है उसको अपन पढ़ेंगे। आइए। एक गांव में एक लड़की मीनू अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह उसके पड़ोस में एक वृद्ध आदमी रहता था। उसकी आंखें जंगलियों की तरह और बाल गंदे थे। प्रत्येक व्यक्ति उससे भयभीत था। मीनू के माता पिता उससे कहते हैं कि वह उस वृद्ध से बात ना करे। मीनू जानती है कि थी कि वह वृद्ध आदमी बिल्कुल अकेला रहता है। वह अपने इतना कमज़ोर है कि अपनी उचित देखभाल भी नहीं कर सकता। वह अतः प्रतिदिन स्कूल से लौटने पर मीनू कुछ फल या बिस्किट उसे देती थी। तत्पश्चात जल्दी जल्दी घर जाती थी। वह उसके माता पिता की आज्ञा का पालन करती थी। वह उसके साथ कभी भी नहीं खेलती थी। तो मीनू जो थी वह वृद्ध आदमी की मदद करती थी। कैसे मदद करती थी? स्कूल से लौटते समय वह उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती थी और उसके साथ खेलती नहीं थी। इससे उसकी माता पिता की कही हुई बात का भी वह आज्ञा का पालन करती थी, साथ ही साथ उस वृद्ध की मदद भी करती थी। तो आइए आगे देखते हैं। एक दिन मीनू के माता पिता उसे घर छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने उससे कहा, यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सीढ़ी से नीचे वाले परिवार को कह देना। थोड़ी देर बाद वृद्ध आदमी सैर के लिए बाहर जा रहा था। उसे मीनू के घर के चारों ओर खाना पकाने की गैस की दुर्गंध आई। तो वहाँ वह एक बार जब उसके माता पिता मीनू को छोड़ कर के चले जाते हैं, तो वहाँ जब बाहर जो वृद्ध आदमी है वह बाहर सैर के लिए निकलता है, तो उसको मीनू के घर में जो गैस, खाना पकाने वाली गैस होती है, उस गैस पे जिस पे मम्मी खाना बनाती हैं, उस गैस की एकदम से दुर्गंध आई। तो वह उसने क्या किया, आइए देखते हैं। उसने बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं किया और गार्ड को बुलाया। उसने गार्ड के साथ मिलकर मीनू के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया। वे दोनों अंदर घुसे और पूरे घर में गैस की दुर्गंध फैली थी। तो उस समय उसने देखा कि मीनू के घर में कोई नहीं है और मीनू अकेली है। वह ज़मीन पर पड़ी हुई है, गिरी हुई है, और वह गार्ड को लेकर के उसके घर में गया। उसने ये सारी चीज़ें देखी, तो उसने फिर क्या किया, गैस की दुर्गंध पूरे घर में फैली हुई थी। मीनू जमीन पर पड़ी हुई थी। यद्यपि वह आदमी कमज़ोर था, किंतु उसने जल्दी से मीनू को अपनी गोद में उठा लिया। वह उसे डॉक्टर के पास ले गया, फिर वह वापस घर ले आया। तो उसने क्या किया, वह उसे मीनू को घर से लेकर के डॉक्टर के पास गया और जल्दी से दिखाया उसने डॉक्टर को, और फिर वापस घर भी लेकर आ गया। वह तब तक मीनू के पास बैठा रहा जब तक कि उसके माता पिता वापस नहीं आ गए। यदि वह वृद्ध आदमी सहायता न करता तो मीनू की मृत्यु हो सकती थी। उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस वृद्ध पड़ोसी का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। वह वृद्ध बहुत धीरे से बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं कि कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, किंतु मीनू प्रतिदिन मेरे लिए कुछ ना कुछ लाती है। आज मीनू की दयालुता के कारण उसके पड़ोस से उसके जीवन पड़ोस
उसके पड़ोसी ने उसके जीवन की रक्षा की। तो आपने देखा कि हमारी जरा सी दयालुता, हमारा जरा सा किसी की मदद करना हमारे लिए और उस दूसरे के लिए कितना हम लाभदायक होता है। मेनू ने उस वृद्ध आदमी की मदद की, तो उससे क्या हुआ, उस वृद्ध आदमी ने जब मेनू परेशानी में थी तो मेनू की मदद की और मेनू की जीवन की रक्षा की। इस प्रकार से इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस संसार में हम एक सामाजिक प्राणी हैं, यानी कि हम इस समाज में रहते हैं, तो हमको हर तरह से हमारे आसपास जो भी व्यक्ति रहते हैं, कोई कैसा भी हो, परंतु हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और मदद के साथ साथ जब उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, यदि हम उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, तो हमें उसकी आवश्यकता को, उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि समय के साथ साथ हर व्यक्ति को, किसी न किसी व्यक्ति की कभी न कभी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अच्छा पड़ोसी, यानी कि आपको अपने पड़ोसी को हमेशा किसी न किसी तरह से उसकी मदद, अगर उसे आवश्यकता है तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।